क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें साइन ए सह के और टेन ए इक्वल टू कॉट ए की शक्ल में कन्वर्ट करना है। रेशियो आपके पास एंगल ए के साइन सेक टेन दिए हुए हैं, आपको रेशियो कॉट में कन्वर्ट करना है एंगल ए को। उसके लिए आपको दो फार्मूला यूज करने हैं, एक रिलेटिव फार्मूला यूज करना है, दूसरा आइडेंटिटी फार्मूला है। जैसे कि आपने रिलेटिव फार्मूले पढ़े हैं सबने, रिलेटिव फार्मूले भी दो तरह के पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो का रिलेटिव फार्मूला पढ़ा है। जैसे आपके पास मान लो, फर्स्ट करो आपके पास साइन ए है, उसको आप वन अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोसेक ए है तो उसे वन अपॉन में साइन ए। ये वाले जितने फार्मूले मैंने आपको सिखाए थे वो आपको यहाँ यूज करने पड़ेंगे। लिखूं सारे फार्मूले या आपको याद है? इसी तरह से दूसरे फार्मूले आइडेंटिटी के फार्मूले, जैसे आई से शो करूंगा मैं, रिलेटिव फार्मूले को इसमें आर से बोलूंगा मैं। तो आइडेंटिटी फार्मूले आपको पता ही, जैसे एक फार्मूला आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ऐसे सेक टेन के फार्मूले हैं, कोसेक कॉट के फार्मूले ये यहाँ यूज में आएंगे। अपने कन्वेंस के हिसाब से आप जो भी फार्मूला यूज करना चाहें इसमें से कर सकते हैं, पहले रिलेटिव भी यूज कर सकते हैं, पहले आइडेंटिटी भी, जिसके लगाने पर जल्दी आपका आंसर आ जाए, जल्दी आपका कॉट में कन्वर्ट हो जाए या जिसमें कन्वर्ट करना उसमें हो जाए, वो फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक जनरल मैंने रूल अपना बनाया है जो और स्कूल वगैरह में नहीं सिखाते हैं आपको, वो ये है कि आप जब आप सीरीज लेते हैं तो आपको अल्टरनेट लेना पड़ता है। अगर आपने एक रिलेटिव फार्मूला ले लिया तो आप दूसरी बार आप रिलेटिव फार्मूला नहीं ले सकते, उसके बाद आपको आइडेंटिटी फार्मूला लेना पड़ेगा। जब आप आइडेंटिटी फार्मूला ले लेंगे उसके बाद आप रिलेटिव लेंगे, फिर आइडेंटिटी नहीं ले सकते, यानी आपको सीक्वेंस में लेना पड़ेगा और किसी ना किसी सीक्वेंस में आपका आंसर आ जाएगा, यानी जो चाहिए वो आ जाएगा। हो सकता है कि आपका पहले स्टेप में आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो सेकंड में या थर्ड में किसी एक में आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप स्टार्टअप जो है आर से नहीं करना चाहते, आई से आइडेंटिटी फार्मूला करना चाहते हैं, आइडेंटिटी फार्मूला से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अल्टरनेट यूज करना पड़ेगा, पहले रिलेटिव फिर आइडेंटिटी, पहले फिर आइडेंटिटी फिर रिलेटिव, कहीं ना कहीं आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं आपका 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन ए सह के टेन ए को हम कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है मेरे पास साइन ए है, साइन ए से लेकर सफर हमें कॉट तक के करना है, तो हमने माइंड में पहले सेटअप कर लेते हैं कि हमें रिलेटिव फार्मूला इजी पड़ेगा या आइडेंटिटी फार्मूला इजी पड़ेगा। मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ रिलेटिव फार्मूला लगाता हूँ तो साइन वन अपन कोसेक में लिख सकता हूँ, और कोसेक का फार्मूला आइडेंटिटी होता ही कॉट की शक्ल में, तो वो ज्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या करा, पहले आइडेंटिटी फार्मूला लगा दिया, सॉरी पहले रिलेटिव फार्मूला लगा दिया, मैंने लिखा साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक ए। अब कोसेक ए लग गया, रिलेटिव फार्मूला लग गया, अब हम किसी भी हालत में रिलेटिव पे दोबारा रिलेटिव नहीं लगा सकते, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा आइडेंटिटी फार्मूला। तो आइडेंटिटी फार्मूला कोसेक ए का क्या होता है, रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और हमें यही चाहिए था, हमें साइन को काय में कन्वर्ट करना था कॉट में, और मैंने साइन को कॉट में कन्वर्ट कर दिया, चाहे अपॉन में आ जाए, चाहे रूट में आ जाए, कैसे भी आ जाए, चाहे स्क्वायर में आ जाए। जैसे हमें यहाँ पे कॉट ए चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है, कॉट स्क्वायर ए, लेकिन है तो कॉट की शक्ल में रेशियो। तो ये हमारा आंसर है, क्या क्या आंसर। चलिए पहला आपने प्रूव कर दिया, साइन ए को कॉट ए की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया, अब हम सेक ए को कॉट ए की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास सेक ए का दो फार्मूले हैं, सेक ए को अगर रिलेटिव फार्मूले लगाएंगे तो वन अपॉन में कॉस लिखेंगे, जो कि मंजिल दूर पड़ जाएगी, फिर कॉस को आइडेंटिटी फार्मूले में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा रूट में, मजा नहीं आएगा। और एक सेक ए का फार्मूला टेन में होता है, रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर होता है, यह आइडेंटिटी फार्मूला होता है, लेकिन अगर इसके बाद रिलेटिव लगाएंगे तो कॉट में बन जाएगा, तो ये दो स्टेप में पूरा हो जाएगा। तो बताओ भाई क्या करें, पहले आइडेंटिटी लगाए पहले रिलेटिव लगाए, रिलेटिव लगाए, चलिए पहले रिलेटिव फार्मूला लगाते हैं। रिलेटिव नहीं लगाओ बेटा, रिलेटिव में परेशान पड़ जाओगे, लगा लो फिर आइडेंटिटी फार्मूला लगाते हैं। sec a को रूट में वन प्लस में टेन स्क्वायर ए खोलेंगे, तो हमारा आइडेंटिटी फार्मूला पहले लग गया, अब उसके बाद क्या लगना चाहिए, रिलेटिव लगना चाहिए। तो आप टेन को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट, अगर स्क्वायर लगा दो स्क्वायर लगा दे। आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने फार्मूला, कि टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन में कॉट ए होता है। अगर यहाँ स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा देते हैं, क्यूब लिखा था क्यूब लगा देते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन को वन अपॉन कॉट लिख देंगे, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि अब यहाँ प्लस का निशान लगा, फ्रैक्शन की शक्ल है तो लाजमी हो जाता है एलसीएम लेना। क्या लाजमी हो जाता है, एलसीएम लेना। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम क्या आएगा, इसका हम लाइन डालेंगे तो वन और कॉट स्क्वायर का एलसीएम क्या है, कॉट स्क्वायर ही आएगा। फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस कैसे करते हैं, कॉट स्क्वायर ए वन जा कॉट स्क्वायर ए वन वन जा वन लिख देते हैं, बीच में प्लस का निशान प्लस निशान लगा देते हैं, लाइन डालकर नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख देते हैं, वन की मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए से करो, कॉट स्क्वायर ए आएगा। अब यहाँ देखो ऊपर जो है इसका रूट नहीं निकाला जा सकता क्योंकि बीच में प्लस का निशान लगा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए दो है, कॉट स्क्वायर ए का मतलब दो कॉट है, तो एक कॉट ए बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रूट लग जाएगा,
ये आपका आंसर आ गया। इसमें भी देखो कॉट की शक्ल में आंसर लिख दिया गया। आपके दो पार्ट हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब आपको कराने जा रहे हैं टेन ए। टेन ए जैसे ही लिया, पहले ही रिलेटिव फॉर्मूले वन अपॉन कॉट ए होता है। टेन ए को क्या कहते हैं रिलेटिव फॉर्मूले? वन अपॉन कॉट ए। और कॉट में आंसर चाहिए, आंसर आ गया। एक ही स्टेप में आंसर आया। तो कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप में आंसर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ आ गया। इस तरह आपने देखा कि आपको 8.4 का पहला क्वेश्चन का पहले पार्ट में आपको तीन रेशियो को कॉट में कन्वर्ट करना था। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में सारे रेशियो को, पांच के पांच रेशियो को कन्वर्ट करना है किसमें? सेक ए में। किसमें कन्वर्ट करना? सेक ए में। जैसे मेरे पास दिया हुआ है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए। इन सबको काय में चेंज करना है? सेक ए में। बिल्कुल एज इट इज करेंगे, इसी तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है घर का। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा।